मुझे इस बात का हर्ष है कि भारत में हर राज्य में स्वाधीनता सेनानियों की सेवाओं की प्रशंसा की गई और उनको उचित सम्मान भी दिया गया है, किंतु मुझे इस बात से निराशा है कि कोई व्यक्ति हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी ऐसे पड़े हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। यद्यपि वे लोग जेल में नहीं गए, तथापि उनकी सेवाओं से देश को बड़ा भारी लाभ हुआ है, परंतु उनको अभी तक किसी भी रूप से सहायता नहीं मिल सकी है। मैं समझता हूँ और मुझे इस बात की चिंता है कि ऐसे लोगों को भी उदारतापूर्वक सहायता करनी चाहिए थी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं और स्वाधीनता के बाद भी उसके पहले भी जिन्होंने देश की अनेक प्रकार से सेवा की है। दुनिया के अन्य देशों में अपनी भाषा के प्रति बड़ा प्रेम है। मानव का जीवन में भाषा के अलावा अन्य मामलों में भी एक दूसरे के साथ गहरा संबंध होता है। भाषा के अलावा अन्य मामलों में भी उन देशों में अन्य देशों के मुकाबले में ज़्यादा एकता प्रकट है। सरकार की तरफ से भी यह प्रस्ताव आता है, सरकार की तरफ से भी उसमें कभी बाधा नहीं डालनी जानी चाहिए। चारों ओर से हर्ष के साथ उसका समर्थन किया जाता है। मैं उन विषयों में जिनके बारे में उनको पर्याप्त जानकारी नहीं है, उनमें से कुछ लोग भले ही सहमति व्यक्त ना करें, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग उनके लिए अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। अन्य बातों के अलावा उन सब लोगों ने यह भी हृदय से स्वीकार किया है कि दूसरे देशों में जो कुछ होता है उसमें हमें सरोकार नहीं है। देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। दूसरा विषय कोई भी हो, उस पर हम पूरी तरह से विचार कर सकते हैं। देश के जो भी नागरिक हों, उनकी ओर से सदा अन्य बातों के अलावा इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि अन्य लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी इस बात का ख्याल रखें कि राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग ना हो और देश का हित सर्वोपरि हो। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए जिनकी तरफ से तोड़फोड़ की कार्यवाहियों को बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्रता के बाद देश के नवनिर्माण में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे देश की संविधान सभा की सदस्य भी स्त्रियां रह चुकी हैं। राजनीति के क्षेत्र में स्त्रियों ने असाधारण सफलता प्राप्त की है। आज भी अनेक प्रांतों में विधायकों के रूप में एवं संसद सदस्यों के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत जैसे विशाल देश ने एक सुयोग्य एवं कर्मठ स्त्री के नेतृत्व में भारी प्रगति की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आहिंदी प्रदेशों के बारे में भी कहना चाहता हूँ। अगर मद्रास में तमिल चलेगी, अगर बम्बई में मराठी में काम काज होगा, अगर कलकत्ते में बंगला भाषा के माध्यम से शिक्षा दीक्षा और शासन व्यवहार होगा, तो क्या फिर नई दिल्ली में तिरसंख की तरह से अंग्रेजी लटकती रहेगी? अगर भारतीय भाषाएं आगे बढ़ेंगी, अगर भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनेंगी, अगर भारतीय भाषाओं में राजकाज चलेगा, तो फिर नई दिल्ली में हमें संपर्क के लिए कोई ना कोई भाषा निश्चित करनी होगी। उस भाषा को लादने का सवाल नहीं है, वह भाषा अपने आप विकसित हो रही है, वह भाषा अपने आप जगह लेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। अभी मेरे मित्र श्री मनोहर कह रहे थे कि हमारा फेडरेशन है, यूनिटरी स्टेट नहीं है। मैं उनसे इस बात पर सहमत हूँ। यहाँ हमारा संघात्मक शासन है, एकात्मक शासन नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में केंद्र और सत्ता सर्वोपरि है, और कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य का अधिकार अंतिम है। राजभाषा का मामला केंद्र की परिधि में आता है, राजभाषा केंद्र को ही निर्धारित करनी है, और अगर इस निर्णय में प्रदेशों को भी हिस्सेदार बनाना है तो संविधान के वर्तमान स्वरूप को कायम रखते हुए यह नहीं हो सकता। मुझे याद है कि जब पंडित नेहरू श्री एंथनी के भाषण के बाद बोल रहे थे, तो श्री एंथनी ने उनको टोका और उनसे पूछा कि क्या इस विधेयक में आहिंदी भाषियों के लिए कोई आश्वासन है। श्री एंथनी ने कहा, उनके लिए कोई गारंटी नहीं है। तो नेहरू जी नाराज होने के बाद भी ऐसी भाषा नहीं बोलते थे। संसद
केंद्र की भाषा के बारे में निर्णय करते हुए सभी भारतीय भाषाओं में बोलने वालों और भाषाओं का ध्यान रखे, मगर यह संसद यह निर्णय राज्यों पर नहीं छोड़ सकती। मैं आपको 24 अप्रैल 1963 की संसद की कार्यवाही का एक अंश सुनाता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जहाँ तक लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारों का संबंध है, इस विधेयक के द्वारा लोकसभा के अधिकारों को कम किया गया है। हम राज्यसभा के मामले में कोई भी फैसला करें, हम बहुमत से कर सकते हैं। वह फैसला राज्यसभा में जाएगा पुष्टि के लिए, और राज्यसभा अगर चाहे तो उसे स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। उसके बाद संविधान में व्यवस्था की गई है कि दोनों सदनों की मिलीजुली बैठक होगी, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी से निर्णय किया जाएगा।